कि चुनाव के बाद भले ही जो अपेक्षा बलिया लोकसभा से की गई थी, हम उस परिणाम को नहीं पा पाए, लेकिन आखिर वो क्या वजह थी, क्या कारण था, क्या समस्या थी जिसके कारण इतनी शक्ति लगाने के बावजूद भी हम उस परिणाम को अपने अपने पास तक पहुंचाने में हम पहुंच नहीं पाए। ये एक संवाद का कार्यक्रम बहुत ही जरूरी था। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव आता है, चुनाव में जो भी परिणाम आता है, उस परिणाम के आने के बाद मतदाता, कार्यकर्ता और नेता सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा ये भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी ने इस संवाद कार्यक्रम को रख के कार्यकर्ताओं के दिल की बात नेताओं तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया। ये एक माध्यम है, ये संवाद कार्यक्रम एक माध्यम है कि हमारे दिल में क्या बात है, हमारा क्या विचार है, हमारा क्या सुझाव है, हमारी क्या कमी है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मंच पर जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, सामने जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, ये तमाम लोग बलिया के जिम्मेदार लोग हैं जो बलिया में भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद करने का काम करते हैं। हमने बुलंद किया बलिया में भारतीय जनता पार्टी के परचम को। आप सबकी ताकत की वजह से लखनऊ और दिल्ली में हम जाके पूरी शान के साथ, पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि हम बलिया से आते हैं जिस बलिया ने कभी झुकना नहीं सीखा। ये वो बाकी बलिया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं नमन करना चाहूंगा मंगल पांडे जी को। आज उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पे मंच के माध्यम से मैं मंगल पांडे जी को भी नमन करना चाहूंगा।